Oh.
बिल्कुल 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 नहीं बिल्कुल आई थिंक फैमिली जो है घर पर है अब बट ये एक बच्चों की फैमिली जो है आज हमारे साथ है आई थिंक आर्यन फैमिली हमारे साथ है सो आई थिंक इट्स नाइस दैट अच्छा लगा कि एक सेलिब्रेशन है अलग तरीके से नेक है सोच और जब सोच नेक होती है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं लोग जुड़ते ही रहते हैं जब मुझे बताया गया कि कुछ बच्चे हैं उनके साथ हमें सेलिब्रेट करना है तो मैंने और कुछ नहीं पूछा मैंने कहा बच्चे हैं चलो मैं आऊँगा डेफिनेटली और डेफिनेटली जैसे हम पीछे देख पा रहे हैं दिस स्लोगन इज चेंजिंग लाइफ स्टाइल दिस मैन आउट हियर ही इज ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस ही इज चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स बहुत सारे लोगों के किए हैं उन्होंने यू नो एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी जैसे इन्होंने कहा समाज ने इतना दिया इनको अभी कोशिश कर रहे हैं वापस देने की तो हम भी जी हाँ बोलिए 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 मैं जानना चाहूँगी जैसे कि इतना बिजी शेड्यूल हो गया है आपकी लाइफ में उसके बाद ये बच्चों के साथ जो इनिशिएटिव आपने लिया कि क्या कहना है कितनी बचपन की यादें आपकी ताज़ा हो गई बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक सब यादें ताज़ा हो गई कि बचपन में वो पतंगे उड़ाना और छत पे जाके यू नो वो एक दिन जब मकर संक्रांति के दिन हम लोग सब वेट करते थे और पूरा आकाश जो है वो पतंगों से भर जाता था बॉम्बे में इतना नहीं दिखता है हमें बट आई एम श्योर बाकी जो है शहर वगैरह उन वहाँ पे आपको नज़ारा दिखेगा तो यहाँ पे अभी जब मुझे मौका मिला पतंग उड़ाने का तो अच्छा लगा बहुत मज़ा आया और ख़ास करके जब बच्चों के साथ हमने ये सेलिब्रेट की है मकर संक्रांति तो आई थिंक एक तरह सोने पे सुहागा है और इससे अच्छी अच्छी सेलिब्रेशन और क्या हो सकती है सर कैसे जुड़े मतलब नई फैमिली से हमने बात की कैसे जुड़े हैं वो मैं आपको अकेले बताऊँगा बट ऐसा है कि सोच इनकी बहुत अच्छी थी इसलिए मैं जुड़ गया और आई थिंक जिनकी सोच अच्छी होती है हम सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी नोबल थाट कि इन्होंने जैसे मैं मैंने पहले भी कहा है कि इन्होंने बच्चों के साथ सोचा कुछ करने के लिए सो दैट्स अ वेरी गुड थाट शरद जी को इस प्रोग्राम में हमारे साथ पूरा साथ देने के लिए और बच्चों को वो पल आनंद के और खुशियों के देने के लिए मेरी तरफ से बहुत हार्दिक बधाइयाँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाला आपके इतनी व्यस्त प्रोग्राम के अंदर से और एक सुहाना सा माहौल रहा थोड़ी सी धूप जरूर है लेकिन जी, जी. बहुत अच्छा लगा कि मकर संक्रांति का जो ये प्रोग्राम है पतंग के साथ साथ वापस जो महाराष्ट्र में नए साल की शुरुआत होती है कि तिलगुल गया आणि गोड गोड बोला और उसी के साथ जहाँ पे आर्यन फाउंडेशन ने कुछ बच्चों के साथ ये वक्त गुजारा जी. तो उनकी खुशियों को देख के उनकी मुस्कान को देख के जैसे आपके सीरियल मुस्कान वाला सबके चेहरे पे रौनक आ गई सबके चेहरे पे रौनक आ गई बिल्कुल बिल्कुल ओके विशिंग ऑल द व्यूअर्स जितने हमारे सभी साथी बंधु हमारे परिवार वाले सबको हैप्पी मकर संक्रांति हैव अ ग्रेट ईयर फैंटास्टिक ईयर बहुत अच्छा साल रहे आप सबका हमारे साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई है सो थैंक यू सो मच एंड सर आप 2019 थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू